जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट के अंदर। आज जुआ जारा केस की समाप्त हुई और अदालत ने फैसला किया कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। तो इसी हवाले से हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, शाहिद हुसैन साहब, बहुत बारीकी से इस केस को देख रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं आज क्या हुआ। जी शाहिद भाई, बताइएगा आज केस के हवाले। दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आप भी इस केस को डे वन से रिपोर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो हकायक हैं वो सामने आए। बहुत सारे लोगों ने इस केस के बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की, एक तरह से पुलिस ने केस को तबाह करने की कोशिश की, प्रोसिक्यूशन ने, और हर आदमी ने इस केस को कोशिश की कि तबाह किया जाए, यानी कि जो जो फैक्ट्स थे उसको नज़रअंदाज किया गया और मनगढ़ंत स्टोरियाँ जो है वो इस केस में चलाने की कोशिश की गई। लेकिन जो सुनवाई होनी थी, जो फैक्ट्स और हकायक पर जो केस रिपोर्ट होना चाहिए था, हमारे मीडिया के दोस्तों ने भी, सोशल मीडिया के दोस्तों ने भी, और इस तरह पुलिस और प्रोसिक्यूशन से लेकर आला अदालतों तक उस केस को उस तरह नहीं लिया गया जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज जिस तरह डेढ़ घंटे के करीब जिब्रान नासर ने दलायल दिए, ना सिर्फ वो सारी चीज़ें रखी जो तजादात थे लड़की के बयान में, जहीर के बयान में, बल्कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जिस तरह की हुई उसमें भी उन्होंने सारे फैक्ट सामने रखे। एक तो ये है कि लड़की ने अपने बयान में कहा था कि उसकी जो जब ये 16 तारीख को यहाँ से 16 अप्रैल को गई और 17 तारीख को लाहौर पहुंची, और उसके बाद फिर उसके वालिद और उसके बाद उनके जो कज़न आए और उन्होंने जहीर पर और उसके पर खुद के ऊपर दुआ के ऊपर तशद्दुद किया, और उसके बाद वो कहती हैं कि हम तो हंसी खुशी रह रहे थे और इस तरह बाप आए और डरा धमका के चले गए। और उसके बाद इसी बयान के बाद दो बयान और दिए, उसमें बाप के तशद्दुद करने का तस्करा नहीं है। चूँकि पुलिस फाइल सामने आई तो उसमें ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई कि पुलिस और उसके बाद फिर अदालतों में क्या कुछ होता रहा और उसके बाद ज़ाहिर फैक्ट्स क्या थे, वो हकायक तो अब सामने आ रहे हैं। जो मज़ीद हम कोशिश करेंगे मज़ीद दस्तावेजाती जो चीज़ें हैं जो अब तक सामने नहीं है वो भी लोगों के सामने रखें। तो बहरहाल अदालत ने अब उन जो दलाइल थे जिब्रान नासिर के उससे इतफाक़ किया है, और प्रोसिक्यूशन ने भी इन दलाइल के साथ इतफाक़ किया है कि उन्होंने कहा कि हमें भी कोई एतराज़ नहीं है कि दोबारा से तफ्तीश हो या लड़की का उम्र का तयन हो। अब जिस तरह हमारी बात हुई वकला से भी, चूंकि सिंध से लड़की गई है और सिंध के कानून का ही इतलाक होता है, तो लड़की की उम्र के तयन के लिए जो पहले से दरख्वास्त दी जा चुकी है सेक्रेटरीत सिंध को, तो उसको अदालत यहाँ से दोबारा हुक्मनामा तहरीरी तौर पर भेजेगी कि जो इन्होंने दरख्वास्त दी थी उसको कानून के मुताबिक कंसिडर किया जाए और लड़की का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। अगर लड़की नहीं आती तब यहाँ अदालत की जानब से वारंट भी जारी किए जाएंगे और पुलिस तफ्तीश के लिए खुद लड़की को बुला सकती है या वहाँ खुद जाकर भी तहकीकात कर सकती है। लेकिन हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उससे लग रहा है कि पुलिस समन जारी करेगी और लड़की को खुद या जहीर को भी खुद आके तफ्तीश ज्वाइन करनी पड़ेगी अगर वो ठीक है। अगर नहीं है, भागेंगे, तो जाहिर अदालत को उसमें वारंट जारी होंगे, फिर से वो प्रोसीजर होगा जहाँ डे वन से खड़े होते हैं। अच्छा शायद, मैं एक छोटी सी बात एक यही ऐड करूँगा कि दुआ जारा के तरफ से जो है डबल माइंड किया जा रहा है। पहले जो है कहती है रक्षे से टैक्सी से गई मैं लाहौर, उसके बाद कहती है मैं एयरपोर्ट से टैक्सी करके गई, तो ये डबल माइंड किया जा रहा है, ये क्या बयान है, क्या समझते हैं कि डबल माइंड बातें? देखिए, ये दो इंटरव्यू दिए दुआ ने, उस इंटरव्यू के हिसाब से उसने कहा कि वो घर से रक्षे पे आई और एयरपोर्ट से फिर आगे चली गई, मतलब लाहौर चली गई, और उसके बाद फिर आज तफ्तीशी अफसर आप भी उस वक्त मौजूद थे, तफ्तीशी अफसर कहते हैं कि वो सुरहाबगढ़ गई और सुरहाबगढ़ से आगे रक्षे पे गई। तो उसमें मतलब एक बहुत बड़ा तजाद है जो इस बयान के ऊपर, तो उसमें भी जाहिर है उनकी पकड़ हो गई, और मतलब जो चीज़ें जिब्रान नासिर ने रखी वो सारी चीज़ें जो फाइलों की नज़र होकर दब गई थी, इसी वजह से तो पुलिस और प्रोसिक्यूशन मुद्दई को यानी कि जिब्रान नासिर के वकील को वो फाइल नहीं दे रहे थे। जब फाइल सामने आई तो उसके बाद तो सारी चीज़ें खुल के सामने ही, हम यही अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, इस केस को हल्का ना लें, बाप हिम्मत कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, केस को फाइट कर रहे हैं। उनके साथ ज्यादती हुई है, एक बेटी को अगवा किया गया, दूसरा तहकीकात ठीक तरह से नहीं हुई, तो उसको उस सही तरह से आप पेश करें। आज हमें जो हम हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, आप सब दोस्त जो, अब उनके साथ हमें भी इस बात की खुशी है कि आज वो चीज़ें जो नज़रअंदाज हो रही थी अदालत ने उनको कंसिडर किया, अब नए तरीके से तफ्तीश का हुक्म दिया है। हालांकि बार बार जो DSP खालिद शाहानी साहब थे, शौकत शाहानी साहब, वो बार बार जो है वो मना कर रहे थे, नहीं सर केस बनता नहीं है, लड़की जो है अपनी मर्जी से गई है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। जहीर के बयान सामने आए, जहीर कहता है कि मैं 3 साल से उससे रबते में था, यानी कि लड़की की उम्र जब 14 साल थी तो वो 2011 से रबते में था। वो भी जो है अदालत के सामने चीज़ें रखी गई हैं जिससे अदालत ने समझा कि हमें तो एक तरह हैरानगी की बात है कि सिंध हाई कोर्ट की जानब से इस तरह का जो फैसला आया, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से जो उम्र के तयन के हवाले से आया, तो उन्होंने ये भी अपने रिमार्क्स दिए कि हमें तो खुद हैरत हो रही है कि इसका मतलब ये है कि लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को कलदम करार दे दिया। तो बहरहाल बड़ी चीज़ है, अब चूँकि अभी तारीख मजीद पड़ेगी क्योंकि अभी तहरीरी हुक्मनामा सामने आएगा, अब तो डेढ़ घंटे आपने भी दलाइल सुने, हम सब ने दलाइल सुने, मजीद चीज़ें और खुल के सामने आएंगी जो कुछ शायद अगली वीडियो में लोगों के सामने रखी जा सके। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। ये शाहिद भाई थे और सीनियर जर्नलिस्ट थे, तो इन्होंने बहुत बारीकी से इस केस को सुना, तो आपने इनकी सब बातें सुनी। और एक छोटी सी बात मैं ऐड करूँगा कि दुआ दारा के वालिद साहब का यही कहना है कि मैं मरते दम तक अपनी बेटी को जो है वापसी लाने की पूरी कोशिश करूँगा, और आज जो
फैसला हुआ, मेडिकल बोर्ड टीम तश्कील दी जाएगी और दुआ जारा के वाली साहब का यही कहना था कि जब तक मेरी बेटी घर नहीं आएगी मैं सुख का सांस नहीं लूंगा। जी